मुझको अभी गुजरात के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि टिकट कटवाने का इंतजाम कर लीजिए, 1 जनवरी को जाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या में। तो क्या जनवरी 1 के बाद सब लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर कर पाएंगे? क्या आप अपने टाइम लाइन पे प्रतिबद्ध हैं? देखिए, मंदिर अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ चुका है और जो टाइम लाइन दी गई है उसके अनुरूप वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होगा और रामलला समय से अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जी, तो इसमें 1 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे जैसा कि उसके बाद से जब भी जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है वो है रामचरितमानस के का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफी हावी है, इस पर चर्चा करती जा रही है। आपका आपका क्या मत है इस पर, आप इसको कैसे देखते? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनके डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पर विश्वास करते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की कोई ना कोई बयानबाजी अपना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है और इसके साथ ही G20 का समिट, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अवसर है जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को, एक अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं। योगी जी, अक्सर आपको हिंदू सुप्रीमिस्ट या फासिस्ट वगैरह कहते हैं लोग, आपको कैसा लगता है जब आपके बारे में? मैं एक योगी हूं जी। अब देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, जो चीजें मुझे अच्छी लगती होंगी आवश्यक नहीं कि वो चीजें सबको अच्छी लगती होंगी, और मुझे अपनी बात थोपनी भी नहीं चाहिए किसी पे, तो अगर उनको ये लगता है तो मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ, लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं। योगी जी, लोग आपकी पूजा भी करते हैं, लोग आपको कोसते भी हैं, अगर इतिहास में आप अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे? मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं एक योगी के रूप में हूँ और योगी ही रहना चाहता हूँ। तो आप ऐसे ही लोगों को देख, लोग चाहेंगे कि ऐसे ही लोग आपको याद रखें? मैं क्या करूँ, क्यों याद रखने की बात ही नहीं आती, मैं योगी के रूप में काम कर रहा हूँ, एक योगी के रूप में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना।